इतिहास इस वक्त तय हो चुका है, तीनों नाम तय हो चुके हैं, मुख्यमंत्री का और दो मुख्यमंत्री विधानसभा स्पीकर। जी बिल्कुल, अब नाम तय होगा। राजनाथ सिंह ने इसकी घोषणा कर दिया और आप देखिए किस तरीके से जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई है कि अगर भजनलाल शर्मा ब्राह्मण को अगर मुख्यमंत्री बनाया गया है तो दिया कुमारी को इधर से बैरवा समाज जो एससी समाज से आते हैं तो दलित समाज को भी संतुष्ट करने की कोशिश की गई, राजपूत समाज को भी संतुष्ट करने की कोशिश की गई, ब्राह्मण समाज भी, और आप देखे कि स्पीकर के जरिए भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई। जो जिस बात को लेकर चर्चा थी कि इसके इन पदों के जरिए बीजेपी जो है वो अपने सोशल इंजीनियरिंग या यूं कहें कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को ठीक करने की कोशिश करेगी तो यहाँ पर वो बीजेपी की तरफ से वो कोशिश दिखाई दे रही है। तो अब कह सकते हैं कि जो 3 तारीख के बाद से जो चीजें चल रही थी अब उस पर राजनाथ सिंह के प्रेस वार्ता के साथ ही पूर्ण विराम लग गया। स्थिति बिल्कुल साफ हो गई कि राजस्थान में ताजपोशी किसकी होगी, राजनीति की आगे की दशा और दिशा कैसी होगी, बीजेपी का क्या फॉर्मूला है, बीजेपी किन फॉर्मूलों को और किन जातीय समीकरण को लेकर के आगे 2024 में चलेगी। तो इन घोषणाओं से ये बिल्कुल साफ हो गया, यानी कयासबाजी खत्म, अब रिजल्ट सामने है कि अब किस तरीके की राजनीति राजस्थान में बीजेपी आगे बढ़ाने जा रही है।